हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, चोली बनकर तैयार हो गई है और चोली के लास्ट में टोटल 20 डबल क्रोसिया हमारे पास हैं और स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ साइड तक आ गए हैं। साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चैन करने के बाद दूसरा डबल क्रोसिया भी हम यहीं पर बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में दो डबल क्रोसिया, एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोसिया, फिर नेक्स्ट में गए एक डबल क्रोसिया। देखिए इस तरह से एक में एक और एक में दो बार डबल क्रोसिया करते हुए इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए हम थर्ड चैन में जाएंगे। देखिए थर्ड चैन में से जाते हुए हम यहाँ से ये पिंक कलर का धागा इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये धागा जॉइंट हो जाएगा और ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इस धागे को टाइट कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये धागा है पिंक कलर का, इसको साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट में गए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह से लूप नहीं लेना, सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हम ऐसे ही देखे नेक्स्ट में गए, इस तरह से दो स्टिच एक साथ निकाल दिए। फिर धागा लिया, दो स्टिच हो गए, दोनों को निकाल दिया। इस तरह से हमारा ये सिंगल क्रोशिया बनता है। तो हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर धागे को जॉइंट करेंगे और दूसरे कलर का धागा यहाँ से इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये धागा ऊपर आ जाएगा और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चैन ली एक डबल क्रोशिया की हाइट की। नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया बनाया। तो फर्स्ट में हमारा ये थ्री की चैन का हो गया, नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब थर्ड में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखें दो में एक एक बार बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड में दो बार डबल क्रोशिया। एवरी थर्ड चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए दो में एक एक बार और थर्ड में दो बार, इसी तरह से बनाते हुए इस थर्ड रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और इसको देखिए यहाँ पर इस धागे के साथ ऐसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये धागा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एक दो तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की, एक दो चैन हम बीच में कैप के लिए लेंगे और यहीं पर जहाँ पर हमने ये थ्री चैन बनाई है वहीं पर जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये वी स्टिच आ जाएगा। देखिए इस तरह से वी स्टिच बन गया। अब एक दो चैन लेंगे गैप के लिए और यहाँ से देखिए एक दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। फिर जैसे हमने यहाँ पर दो चैन गैप के लिए ली हैं, दो चैन लेंगे गैप के लिए और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा एक वी स्टिच बन जाएगा। इस तरह से वी स्टिच बनता जाएगा। फिर दो चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद नीचे से भी हम दो चैन स्किप करेंगे एक दो और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम इसी तरह से वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चैन ली और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से फिर से देखिए दो चैन लेंगे और नीचे से एक दो स्किप किए और थर्ड चैन में जाकर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया, दो चैन और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया।
इस तरह से वी स्टिच बनाया। वी स्टिच के बीच में भी हमने दो चैन ली, फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी दो चैन ली और नीचे से दो चैन स्किप की। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में देखिए हमारे यहाँ पर दो नीचे से स्किप होंगे, दो बच्चे हैं। तो यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर वी स्टिच के अंदर करेंगे इस तरह से। अब देखिए एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैन लेंगे। बारह चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेना है और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार, चार चैन स्किप करेंगे और पांचवी चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसके यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस स्टिच के अंदर नहीं बनाने। देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर हमने यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ये वी स्टिच है उसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बन गया। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेंगे। आठ चैन लेने के बाद अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न करेंगे, देखिए पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ से हम जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं उसकी चैन को हम स्किप करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन हम स्किप करेंगे। सातवीं चैन के अंदर जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाया, सातवीं चैन के अंदर जाकर फिर एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाया। देखिए दो हो गए। इस तरह से हमारे यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनेंगे। एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया बनाया, तीन डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की और डबल क्रोशिया बना लिया, चार डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप की और जो हमारा ये लास्ट डबल क्रोशिया है थर्ड चैन में जाकर इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो टोटल देखिए हमारे यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया आए हैं। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली। देखिए यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया है उनके ऊपर हम पांच के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बन गया। अब जो हमने ये आठ चैन बनाई है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक और बनाएंगे चौदह। देखिए यहाँ इसके अंदर हमने आठ चैन के अंदर चौदह डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वी स्टिच है उसके अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशी के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशी के साथ जॉइंट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्लिप सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आठ चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेने के बाद उसी तरह से फिर से हम अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न करेंगे और नीचे से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन हम स्किप करेंगे और सातवीं चैन के अंदर जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की, नेक्स्ट चैन में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की, नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया बनाया, चार डबल क्रोशिया हो गए, फिर से एक चैन ली और एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया बना दिया। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारे ये पांच डबल क्रोशिया बन गए हैं, एक एक चैन हमने नीचे से स्किप की है और एक चैन का गैप दिया है बीच में। फिर से यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चैन ली डबल क्रोशिया की हाइट की, अब देखिए एक चैन बीच में गैप के लिए लेंगे, अब नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी बॉक्स के ऊपर हमारे ये इसी तरह से बॉक्स बनते जाएंगे, एक चैन ली नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली नेक्स्ट के ऊपर गए डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली नेक्स्ट के ऊपर गए डबल क्रोशिया बना दिया, इस तरह से। इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न पत्तियां बनती चली जाएंगी। अब जो आठ चैन है उसके अंदर हम चौदह डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके अंदर चौदह डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वी स्टिच है हमारा, उसके अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए हमारी ये दो पत्तियाँ बन गई। अब देखिए फिर से हम आठ चैन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन ली, अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न किया और नीचे से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन हम स्किप करेंगे, सातवीं चैन में जाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट चैन में गए डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया हो गए, एक दो, फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की और डबल क्रोशिया बना दिया, तीन डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चैन ली, एक स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया बनाया, चार हो गए, फिर एक चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की और जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना दिए। देखिए पांच के ऊपर पांच हमारे ये डबल क्रोशिया आए हैं। अब देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे आगे की तरफ और एक चैन बीच में गैप के लिए लेंगे। तो इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम आठ चैन में आ गए, इसके अंदर हम चौदह डबल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पर फिर से जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए अपने वर्क को रिपीट करते हुए जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। आप भी इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। जो शुरू में हमने जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया किया था उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर जाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे देखिए बैक की तरफ। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे हम यहाँ पर, देखिए फर्स्ट के ऊपर स्लिप स्टिच किया, सात के ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे, दो तीन
चार, पाँच, छः, सात के ऊपर हमने स्लिप स्टिच किया। अब देखिए छः के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। देखिए छः के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर दिया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के ऊपर स्लिप स्टिच किया। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो चैन हमारी ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की हमारी एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर दो एक चैन गैप के लिए लेंगे और नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चैन ली, एक को स्किप किया, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए डबल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चैन ली, नेक्स्ट को स्किप किया, उससे नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चैन ली, एक स्किप किया, उससे नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया। अब एक दो तीन, तीन चैन लेकर अपने वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे और एक चैन गैप के लिए लेंगे, तो बॉक्स के ऊपर देखे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन ली, जो हमने शुरू में ये तीन चैन ली थी तो वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड चैन के ऊपर जाकर। देखिए डबल क्रोशिया बना लिया, देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क आ गया। अब देखिए जो हमने यहाँ पर शुरू में हमने ये थ्री चैन बनाई थी, फोर चैन ली थी, उसके ऊपर यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए हमारा ये डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब देखिए मैं गले और यहाँ पर बाजू पर ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।